Hey guys, this is Priyanka and welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So friends, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्मज आई मेकअप लुक. जी हाँ, बहुत ईजली हो जाता है स्मज आई. बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिन्हें आप इजली कर सकते हैं बिना ब्रशेस के, बिना जो है ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट के. बहुत अच्छे से आप ये लुक कर पाएंगे. सो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा. सो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फ्रेंड्स, आई मेकअप के लिए सबसे पहले तो हम आईज पे अपने कंसीलर अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि आँखों पे जो हल्का पिगमेंटेशन होता है या डार्क सर्कल्स होता है किसी किसी को, तो फिर वो मेकअप का लुक उतना अच्छा नहीं आता है. जो कलर होते हैं वो पॉप होके नहीं आते हैं. तो सबसे पहले हमें अगर आईज मेकअप करना है तो हमें आंखों पे कंसीलर अप्लाई कर लेना चाहिए. देखिए इस तरीके से मैं फिंगर का ही यूज़ कर रही हूँ. फिंगर से मेकअप बहुत अच्छा ब्लेंड हो जाता है. और बाकी मैंने बेस, बाकी स्किन केयर वगैरह जो भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करना था वो मैंने पहले ही कर लिया था. तो अभी कंसीलर अप्लाई हो गया है. अब हम किसी भी लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर से हल्का सेट कर लेंगे ताकि कंसीलर जो हमने अप्लाई किया वो क्रीज ना हो. अब मैं अपनी आईब्रो को फिल कर ले रही हूँ. तो आईब्रो फिल करने के लिए मैंने फ्यूज ब्यूटी का आईब्रो पेंसिल लिया है. तो देखिए मैं जो पेंसिल में ब्रश था उसी को सेट कर दे रही हूँ. तो देखिए हमारा आईब्रो फिल हो गया है. अब हम लेंगे काजल. यहाँ लैक्मे का आइकॉनिक काजल है ये. अब हम इसे अपर लिप से अप्लाई कर लेंगे लाइनर की तरह. तो याद तो फ्रेंड्स, मेरा बेटा आ गया था बीच में. और तो देखिए इस तरीके से हम अप्लाई कर लेंगे. अगर हल्का सा इधर उधर फैला भी लगता है तो कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि वैसे भी हमें इसे स्मज करना है. तो देखिए, और हाँ, इनर कॉर्नर पे जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इनर कॉर्नर फिर उससे आपकी आंखें जो है वो बड़ी दिखती हैं. और अगर आपकी आईज वॉटरी है तो आप फिर इनर कॉर्नर को अवॉइड करिए, रहने दीजिएगा. देखिए अब हम नीचे की लिप पे भी अप्लाई कर लेंगे काजल. बहुत ही इजी लुक है फ्रेंड्स, बहुत ही, और बहुत ही अच्छा लुक देता है एकदम. देखिए अपर लिप पे भी अप्लाई कर लीजिएगा. वैसे भी मैंने आपको बताया कई बार कि जब भी आप काजल अप्लाई करें, चाहे नॉर्मली सिंपल ही, लेकिन जब भी अप्लाई करें तो काजल अपने अपर लिप पे भी अप्लाई किया करिए, उससे लुक अच्छा आता है. तो अब हम एक क्यूटिप की हेल्प से उसको ब्लेंड करेंगे जो हमने अपर लिप पे काजल लगाया था. तो देखिए इस तरीके से धीरे धीरे करके हमें ब्लेंड करना है. आप चाहें तो फिंगर से भी कर सकते हैं, फिंगर से भी हो जाता है. मैं फ्रेंड्स फिंगर्स और हाथों की मदद से इसलिए मेकअप करती हूँ क्योंकि हर किसी के पास ब्रशेज वगैरह नहीं होता, इसलिए मेरे पास भी नहीं होता था. तो हर कोई नहीं रखता है, बस मेकअप का सामान जो डेली मेकअप नहीं करता है वो थोड़ा बहुत मेकअप का सामान रखता है. बाकी ब्रशेज और ब्यूटी ब्लेंडर हर कोई नहीं रखता, तो इसलिए मैंने सोचा कि सिर्फ फिंगर की हेल्प से, क्यूटिप की हेल्प से करते हैं, इससे बहुत अच्छा मेकअप हो जाता है. बस आपको मेकअप के टिप्स और ट्रिक्स आने चाहिए. तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे या ब्रांडेड प्रोडक्ट होंगे तभी आप कर पाएंगे, या ब्रशेज होंगे तभी आप कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है. तो देखिए हमने नीचे की लिप पे भी इसे स्मज कर लिया. हमें नीचे की लिप पे भी स्मज करना है.
देखिए एक्चुअली ये वाला काजल ना बहुत जल्दी स्मज नहीं होता है, जो है जहाँ पे लगाओ ना वहीं पे, अच्छा काजल है ये लैक्मे का, तो ज़्यादा स्मज नहीं होता है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है। देखिए अब जब स्मज हो गया ना तो हमें अपर लिप पे अब पतला सा स्ट्रोक और कर देना है, ताकि हमारी जो वो है पलकें हैं वो घनी दिखें, क्योंकि हम कोई लैशेज वगैरह नहीं अप्लाई करेंगे। देखिए इनर कॉर्नर पे भी लगा ले रही हूँ, इनर कॉर्नर पे लगाने से क्या होता है ना आपकी आई थोड़ी दिख दिखती है। देखिए अब हम ले रहे हैं ये आई शेडो पैलेट है मेरा, इसमें तो ये जो स्किन का कलर है ना वो वाला कलर हम लेंगे, क्योंकि हम नेचुरल आई मेकअप कर रहे हैं कि हम डे में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत हैवी नहीं, एकदम सॉफ्ट नेचुरल। देखिए पहले हमें उसे लिप पे प्लेस कर लेना है, जो हमारे स्किन के कलर का आई शेडो में हमें आपको दिखाया भी कलर। क्योंकि हमें ऐसा मेकअप नहीं करना है कि किसी को देख के लगे कि हाँ बहुत मेकअप कर रहा था, क्योंकि हर टाइम बहुत मेकअप अच्छा नहीं लगता है, तो ये सॉफ्ट मेकअप है ताकि अच्छा भी लगे और किसी को पता भी न चले ज़्यादा इतनी मेकअप किया है। तो देखिए ये अप्लाई हो गया, अब हम इसमें अभी देखिए हो रहा है, देखिए इस आई में थोड़ा सा कर देती हूँ। तो देखिए अब लग गया है, अप्लाई हो गया है अच्छे से। तो अब हम क्या करेंगे, जो उसमें पिंकिश का शेड था ना, ब्राउनिश पिंकिश था, उसे अपनी लोअर लिड पे भी जो हमने काजल लगाया उसके नीचे हल्का हल्का सा प्लेस कर लेंगे, उससे ना थोड़ा इफेक्ट अच्छा था, और हमने अपर लिड पे भी अप्लाई कर लिया था, लेकिन मैं हल्का सा आपको और करके दिखा दे रही हूँ। देखिए हल्का सा, ताकि हल्का सा इफेक्ट आए, बस बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है कि लगे कि हाँ हमने लगाया है कुछ। देखिए जो थोड़ा सा अब ब्राउनिश सा पिंकिश सा शेड था ना, वो हमने लोअर लिप से देखिए और अपर लिप से दोनों पे अप्लाई किया है हल्का, बहुत पास से दिखाया था आपको। अब हम मस्कारा अप्लाई कर लेंगे, देखिए मस्कारा लगाते ही आपकी आईज जो है वो थोड़ी सी बिग दिखने लगती है, क्योंकि आपकी पलकें जो होती है ना स्ट्रेट हो जाती हैं अच्छे से। ये मेबलिंग का हाइपर कर्ल मस्कारा है, और इसका बॉन्ड भी देखिए छोटा है, तो ये आपके हाथ में ना फुल कंट्रोल होता है उसका, क्योंकि जो बड़ा होता है थोड़ा सा इधर उधर फैलने का डर रहता है, जिन्हें ज़्यादा जो अप्लाई हमेशा नहीं करते हैं तो उनको थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो छोटा बॉन्ड है तो देखिए फुल कंट्रोल है, हम जैसे कहें से यूज़ कर सकते हैं। देखिए आई लुक अच्छा लग रहा है ना, नेचुरल प्यारा, देखिए कितना ब्यूटीफुल सॉफ्ट लुक आया है। अब ये मेरा मैंने आपको दिखाया, मेरे फ्रेंड सारे प्रोडक्ट अंडर बजट हैं, 250 हैं अंडर सारे ही प्रोडक्ट, और बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। तो हम ब्लश अप्लाई कर ले रहे हैं, देखिए ब्लश हमेशा स्माइल करते हुए, और हल्का सा ना नोज़ पे भी अप्लाई कर ले रही हूँ। देखिए नोज़ पे जब हम अप्लाई कर लेंगे ना हल्का सा ब्लश, तो क्या होता है कि पिंकिश वो नोज़ से लेके तो नेचुरल सा लगता है, पर आप बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बस हल्का हल्का सा इफेक्ट आए, और नोज़ के साइज में नोज़ पे भी हल्का अप्लाई कर लेंगे, उससे क्या होगा लगेगा कि नेचुरल पिंकिश ग्लो आ रहा है। तो देखिए हल्का सा लग रहा है ना आपको, तो देखिए अब ये भी मेरी मेबलिंग की लिपस्टिक है, क्योंकि हम सॉफ्ट मेकअप कर रहे हैं, स्मज आई के साथ न्यूड लिपस्टिक ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये देखिए ये शेड है, जबकि ये ज़्यादा डार्क नहीं है, तो इसे हम थोड़ा शाइनिंग करने के लिए क्या करेंगे, मैं इस पर थोड़ा सा हाइलाइटर अप्लाई कर दूँगी। तो देखिएगा अभी इसका कलर भी हल्का चेंज जाएगा और ये हल्का शाइन भी करने लगेगा, देखिए ज़्यादा नहीं अप्लाई करना है, बस हल्का सा फिंगर में लेकर के देखिए, ठीक है ना, कितना ब्यूटीफुल सा कलर
निकल के आया। हम लिपस्टिक के साथ ना, हमारे पास अगर 3 से 4 ही लिपस्टिक हो तो हम उससे बहुत सारे कलर जो है बना सकते हैं। देखिए अब हम हाइलाइटर अप्लाई कर ले रहे हैं, तो हाइलाइटर हम डॉट डॉट करके पहले लगा लेंगे। नोज पे भी मैंने लगा लिया है। तो मैंने आपको बताया हाइलाइटर हमेशा आप अपने जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ना वहाँ अप्लाई करते हैं। तो देखिए अब नोज के बेस पे भी अप्लाई कर लेंगे। हाइलाइटर लगाते ही आपका फेस ना चमकने से लगता है हीरे सा। हाइलाइटर आपके पास ज़रूर होना चाहिए, नहीं बहुत महंगा तो अफोर्डेबल रेंज में भी हाइलाइटर आते हैं, सिसिल ब्यूटी का है और भी कई सारे आते हैं, तो वो आप रख सकते हैं। देखिए अब हम इसे ब्रो बोन पे भी लगा लेंगे। अब हम एक क्यू टिप लेंगे क्योंकि हमें इनर कॉर्नर पे लगाना है, तो क्यू टिप की हेल्प से हम इनर कॉर्नर पे आइस के लगा लेंगे। तो देखिए हमारा मेकअप कंप्लीट हो गया है। अब हम सेटिंग स्प्रे स्प्रे कर लेंगे ताकि हमारा मेकअप जो है वो सेट हो जाए। देखिए कितना अच्छा लुक आया है, सॉफ्ट मजाई बढ़िया। तो फ्रेंड्स ये लुक कोई भी कैरी कर सकता है, टीनेजर्स हो, ऑफिस गोइंग हो या फिर हाउस वाइफ हो, हर किसी के ऊपर बहुत अच्छा लगने वाला है। सो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।